दोस्तों, आज मैं आपको डिमेंशिया के बारे में बताऊंगा कि डिमेंशिया क्या चीज़ होती है। कई लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया सिर्फ भूलने की बीमारी है, पर डिमेंशिया मनोभ्रंश सिर्फ याददाश्त की समस्या नहीं है। डिमेंशिया के कई अन्य गंभीर और चिंताजनक लक्षण भी हैं। ये सब लक्षण मस्तिष्क में हुई हानि के कारण होते हैं। डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति के जीवन में अनेक दिक्कतें होती हैं। मानसिक और शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। भाषा संबंधी भावना और व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं भी होती हैं। व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों में दिक्कत होती है। व्यक्ति को मदद की ज़रूरत होती है। तो नैनी कोर्स करने वाले बच्चे या नर्सिंग वाले या लाइट हेल्थ वाले, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा ब्रेन हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी भाग है। हम अपने सभी कार्यों के लिए ब्रेन पे निर्भर करते हैं, जैसे कि भावनाएं, मानसिक काम, शारीरिक काम। अगर ब्रेन के कुछ भागों में हानि हो जाए तो हमें दिक्कतें होती हैं। ऐसे कई रोग हैं जिनके कारण डिमेंशिया के लक्षण होते हैं। इन रोगों के मस्तिष्क के कुछ भागों में हानि होती है। ब्रेन के सेल, जिनको कोशिका न्यूरॉन मार सकते हैं, सेल के बीच स्पंद नष्ट हो सकता है और हमारा जो ब्रेन है वो सिकुड़ सकता है। अल्जाइमर रोग में समय के साथ साथ जो ब्रेन है वो सिकुड़ने लगता है। हर व्यक्ति में डिमेंशिया अलग तरह से पेश होता है। लक्षण इस बात पर निर्भर है कि व्यक्ति के ब्रेन में हानि किस भाग में है और कितनी है। व्यक्ति के जीवन की अन्य कई बातों का भी लक्षण पर असर होता है, जैसे कि स्वास्थ्य और जीवन शैली, व्यक्तित्व, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, परिवार और दूसरे लोगों के संबंध और अन्य बातें। डिमेंशिया के शुरू के लक्षण हल्के होते हैं, जैसे आज अम्मा ये भूल गई कि वह नाश्ता कर चुकी हैं, ये हफ्ते में दूसरी बार है। उम्र के साथ तो ऐसा सबके साथ होता है। लोग अक्सर इन लक्षणों को बढ़ती उम्र का सार समझते हैं और डिमेंशिया को नहीं पहचान पाते। लक्षणों के उदाहरण, अम्मा आप कितनी बार पूछेंगे कि आज तारीख क्या है, मैंने आज सुबह दवा ली थी या नहीं, अब लूँ तो डबल डोज हो सकती है। याददाश्त की समस्या के कारण रोज के कामों में दिक्कत होना, हाल की बातें भूल जाना, बात दोहराना। पहले क्या पहनूं, सॉक्स पहनूं, जुराबें पहनूं कि जूता पहनूं, रोज के परिचित कामों में भी दिक्कत होनी लगती है। अम्मा दाल में आज साबुन कम है। आज हम सब परम और वत्सला के घर जाकर बिरयानी खाएंगे, उसके बाद राजेश खन्ना की पुरानी फिल्म देखेंगे और फिर आज हम परम और खाना देखेंगे। और तो नेचुरली वो रिपीट नहीं कर पाते जो बात कही। दाल में आज साबुन कम है, यानी कि दाल में नमक की जगह वो साबुन कह रही हैं माता जी। भाषा संबंधी दिक्कतें, जैसे कि बोलने में दिक्कत, अजीब शब्दों का इस्तेमाल, दूसरों को समझाने में दिक्कत, बात का सिरा खो देना, लिखने में दिक्कत, समय और स्थान को ठीक से पहचान ना पाना, दिन और रात के बीच में कन्फ्यूज़ होना, साधारण फैसलों में गलतियाँ, चुनाव करने में दिक्कतें आने लगती हैं। मान लीजिए अंकल रोज एक प्याला चाय के लिए कभी 100 का नोट देकर चले जाते हैं, कभी 500 का। छुट्टा वापस करने के लिए आवाज़ देता हूँ तो हैरान लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पैसे दे दिए, वापस लेने हैं, ये पता ही नहीं कि लेने होते हैं। पापा कभी फ्रिज में किताब रख देते हैं, कभी घड़ी, कभी टूथब्रश। काम करने वाली ने मेरे सोने का हार चुरा लिया, पर माँ वह हार तो आपने 10 साल पहले तोड़वाया था। अब आप अंदाज़ा लगा दी कितनी घातक बीमारी है। वस्तु को जीप गलत जगह पे रखना, वस्तु को ढूंढ ना पाना, वस्तुओं के ना मिलने पर दूसरों पे शक करना। मूड या व्यवहार संबंधी लक्षण, मूड या व्यवहार में बेवजह बदलाव, मूड का तेजी से ऊपर नीचे होना, व्यक्तित्व में बदलाव, शक्की होना, चिड़चिड़ा होना, उत्तेजित होना, व्याकुल होना, आक्रमण यानी कि ऑफेंसिव होना, रुचि वाले काम बंद कर देना, चुपचाप बैठे रहना, पूरे वक्त सोते रहना, डिप्रेशन के लक्षण, लोगों से दूर दूर रहना, पहल में कमी होना,
पापा ने तो किताबें पढ़ना बंद ही कर दी, अब तो हमारे साथ कैरम भी नहीं खेलते, यानी कि बिल्कुल चेंज हो गया उनका सिनेरियो। मेरे सामने ये कौन है शीशे को देख के, चित्र पहचानने में दिक्कत, दूरी का अंदाज़ा न लगा पाना, शीशे में खुद को नहीं पहचानना। पापा हर महीने बिल भरना भूल जाते हैं, काम प्लान करना और संभालने में दिक्कतें, ध्यान लगाने में दिक्कत, हिसाब करने में दिक्कत, योजना बनाने में दिक्कत, जरूरी काम बार बार भूल जाना। कुछ बदले व्यवहार खास तौर से मुश्किलें पैदा कर देते हैं व्यक्ति को, परिवार वालों को और आसपास के लोगों को इनके चरण काफ़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे भ्रम, दृष्टि भ्रम, ऐसी बातें देखना और सुनना जो सच नहीं है, उत्तेजित होना, चलाना, आक्रामक होना, लोगों पर शक करना, आरोप लगाना, रात को सो नहीं पाना, बेचैन होना, चिल्लाना, चहलकदमी करना, अनुचित और अश्लील व्यवहार करना। उसके बाद समय के साथ मानसिक और शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, व्यक्ति खुद को कई बार खतरे में डाल सकते हैं, घर का रास्ता भूल जाना, गैस खुली छोड़ देना, बिजली का तार छू लेना। डिमेंशिया के बिगड़ने के कारण कई साधारण काम खुद नहीं कर पाते, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, अपनी सफाई रखना, शौच इत्यादि। आपको बता दें, दिलीप कुमार जी को, जो कि 90+ हो चुके हैं, वो भी अल्जीमर रोग से पीड़ित हैं, उनको सायरा बानो एक्ट्रेस देखभाल कर रही हैं। समस्याएं और भी गंभीर और जितना जो होने लगती हैं, डिमेंशिया जैसे जैसे बढ़ने लगता है, दुर्घटनाएं बार बार होने लगती हैं और अधिक गंभीर होने लगती हैं, व्यक्ति को मदद की जरूरत भी कई बार होने लगती है, निर्भरता बहुत बढ़ जाती है, देखभाल करने वालों को दिन भर सतर्क रहना होता है ताकि व्यक्ति सुरक्षित रहे और उन्हें सही वक्त पर उचित मदद मिल जाए। अब जो लोग केयर गिवर हैं, नर्सिंग वाले हैं, अलाइड हेल्थ वाले हैं, CMSED, BEMS वाले हैं, या जो और हैं जो कि केयर गिवर में सपोर्ट करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि आपको एल्डर केयर के लिए क्या कुछ तैयारी रखनी पड़ेगी, साइकोलॉजी और एक एक चीज़ पढ़नी याद करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया नोट्स आपको नहीं मिल सकते आपकी भाषा में। कुछ बदले व्यवहार खास तौर से मुश्किलें पैदा करते हैं व्यक्ति को, परिवार वालों को, आसपास के लोगों को, इनके कारण काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि भ्रम, दृष्टि भ्रम, मैंने ये पहले भी बात आपको बता चुका हूँ। तो इसके आगे समस्याएं जो हैं वो जैसे जैसे गंभीर होती हैं, अंतिम चरण में ब्रेन की हानि अनेक भागों में फैल जाती है, बातचीत बहुत ही कम हो जाती है, वे अपनी तकलीफ नहीं बता पाते, व्यक्ति के शरीर पर नियंत्रण बहुत ही कम होता है, चलना फिरना और मलमूत्र पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है, खाना चबाना और निगलना भी मुश्किल हो जाता है। आखिरी अवस्था में व्यक्ति लगभग पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं और अक्सर पूरे वक्त बिस्तर पर रहते हैं। डिमेंशिया लाइलाज है, ब्रेन में हुई हानि दवा से ठीक नहीं हो सकती, व्यक्ति फिर से सामान्य नहीं हो सकते, हानि की गति को रोकने या धीरे करने की कोई दवा नहीं है। नेचुरली आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मेडिसिन फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। हिप्पोकैम्पस एरिया, वेंट्रिकल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंटरहिनल कॉर्टेक्स, एक्सट्रीम श्रिंकेज ऑफ हिप्पोकैम्पस, ये आम तौर पे देखने में आए हैं। डिमेंशिया के लक्षण कई रोगों के कारण हो सकते हैं, अल्जीमर डिजीज के कारण, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के कारण, वास्कुलर डिमेंशिया के कारण, मिक्स डिमेंशिया के कारण, क्रॉनिक ट्रोमेटिक इंसेफेलोपैथी के कारण, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस के कारण, हंटिंग डिजीज के कारण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिमेंशिया के चार प्रमुख प्रकार हैं, टाइप्स हैं, 90% डिमेंशिया के केस इनके कारण हैं। नंबर 1, अल्जीमर डिजीज। नंबर 2, अल्जीमर या अल्जाइमर भी कहते हैं, वास्कुलर डिमेंशिया, जिसको संवहनी या नाड़ी संबंधी कहते हैं। तीसरा, लेवी बॉडी डिमेंशिया, और चौथा है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। चार किस्म के हैं, अलग अलग रोग में मस्तिष्क में अलग अलग तरह से हानि होती है। उदाहरण के तौर पर अल्जाइमर रोग में हानि याददाश्त से संबंधित हिस्से में शुरू हो जाती है, इसलिए शुरू में अक्सर भूलने की समस्या होती है हिप्पोकैम्पस एरिया में। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में मस्तिष्क दूसरी तरह की हानि होती है। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में शुरू में हानि ब्रेन के फ्रंटल और टेम्पोरल भागों में होती है। शुरू के लक्षण इन लोब के कामों से संबंधित होते हैं। शुरू में व्यवहार, व्यक्तित्व और भाषा संबंधी समस्याएं और याददाश्त अक्सर ठीक रहती है।
डिमेंशिया किसको भी हो सकता है, अधिकांश केस बुजुर्गों में देखे जाते हैं, पर डिमेंशिया कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है। डिमेंशिया के कारण समझने के लिए रिसर्च चल रही है, दवा बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। डिमेंशिया से बचने के लिए अभी तक कोई पक्की तरकीब नहीं पता, पर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से इसकी संभावना कम होती है। हम क्या कर सकते हैं? मिलना जुलना कायम रखें, मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, स्वस्थ आदतें अपनाएं, लाइफस्टाइल हमारा हेल्दी हो, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग जैसी समस्याओं से बचें। एक अब योगी मंत्र है, जो दिल के लिए अच्छा है वे दिमाग के लिए भी अच्छा है। व्हाट इज़ गुड फॉर हेड इज़ गुड फॉर ब्रेन, ये याद रखना है। डिमेंशिया के लक्षण नज़र आने पर डॉक्टर से सलाह करें, डॉक्टर व्यक्ति और परिवार वालों के साथ बात करेंगे, बातचीत और जांच के बाद वे बता पाएंगे कि व्यक्ति को डिमेंशिया है या नहीं। डिमेंशिया का सफ़र कई साल लंबा होता है और देखभाल के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। डिमेंशिया पर जानकारी प्राप्त करना और व्यक्ति पर इसका असर समझना और स्वीकारना, देखभाल कर जानकारी प्राप्त करना, देखभाल के लिए योजना बनाना, देखभाल के काम और खर्च के लिए इंतजाम करना, परिवार वालों से आपस में चर्चा करना, सहमति, अन्य जिम्मेवारियों पर विचार, मदद किससे और कैसे लें इस पर विचार, देखभाल करने वालों की थकान और तनाव कम करने के लिए कदम लेना। डिमेंशिया के बारे में जानने से और लक्षणों के प्रति सतर्क रहने से इस लंबे सफ़र में कुछ आराम मिलेगा। लक्षण नज़र आते ही आप डॉक्टर से उचित सलाह ले पाएंगे। शुरुआती अवस्था में रोग निदान मिलने के कई फायदे हैं। डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति शायद अपनी स्थिति समझ पाएँ और विषय में उन्हें क्या चाहिए ये बता पाएँ। परिवार वालों को विषय के लिए तैयार होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। डिमेंशिया और देखभाल पर जानकारी होने से देखभाल बेहतर हो सकती है, तनाव और दिक्कतें भी कम होंगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक तरह का नोट्स था, पीपीटी कह लीजिए कि आप इसको पीपीटी, और हिंदी में था क्योंकि ज़्यादातर जो केयर गिवर्स हैं वो इंडिया में हिंदी समझते हैं, तो हिंदी समझने वाला पंजाबी में भी समझ लेगा, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। फ़ोन नंबर 9872468540, केयर गिवर कोर्स में नंबर 1 है हमारा इंस्टीट्यूट, और वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद दोस्तों।